पास शादी होकर भी नहीं हुई है। वक्त आते ही सबको सच बता देंगे। नकली शादी करते करते असली शादी हो गई। थैंक यू पापा। कहाँ चले एकलव्य? सामान क्यों पैक कर रहे हो? काकी, शादी तक का नाटक ठीक था, अभी सुहागरात मनाने का नाटक थोड़ी करूंगा मैं। सही के साथ अजय को बोल दूंगा कि ऑफिस में थोड़ी इमरजेंसी आ गई, हफ्ते भर के लिए बाहर जाना होगा। जब वापस आएंगे तो बाकी देख लेंगे। शादी हो चुकी है, सही अकेले नहीं रहेगी। एकलव्य, कब तक पति पत्नी ऐसे दूर रहेंगे, अलग कमरों में रहेंगे? कैसे पति पत्नी? तुम्हारी जई से शादी हो चुकी है ना, जो हुआ है उसे एक्सेप्ट करना सीख लो। अगर रिश्ता बनाया है तो उसे निभाना भी सीख लो। काकी, अब ये नाटक के बीच में रिश्ता निभाने की बात कहां से आ गई? नाटक? कैसा नाटक? पंडित जी, हवन, फेरे, श्लोक, सब कुछ हो गया। एक शादी नाटक कैसे हो सकती है एकलव्य? क्या हो गया था? एक मिनट, एक कि ये सब एक प्लान था, सब नाटक था। ये किसने कहा तुमसे? क्या कह रहे हो तुम? ये बेटा, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अब तुम इस घर के दामाद हो। जावई बाबू, सही के पति, ये सच है और रहेगा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रखिए आप। अरे जजमान, ये तो मेरा काम है। नहीं नहीं, फिर भी नकली शादी करवाना ठीक नहीं होता है, और आपको पाप में भागीदार बनाया, लेकिन हमारे हालात ही कुछ ऐसे थे कि ये जरूरी था ये करना। मतलब ये नकली शादी थी ना? नकली फेरे, नकली मंत्र, नकली रीति रिवाज, नकली श्लोक, ये नकली शादी थी ना? अब सब कुछ नकली था, तुम पूछ क्यों रहे हो? एक मिनट जजमान, मैं नकली शादी क्यों कराऊंगा? असली पंडित हूं, शास्त्रों के अनुसार पूरे विधि विधान से आपका विवाह हुआ है श्रीमान। एक मिनट पंडित जी, आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे जब पूछा तो आपने कहा ना कि आर्या से बात हो गई आपकी, उसने आपको सब कुछ बता दिया है। हाँ, उन्हीं से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि पंडित जी, पूरे विधि विधान के अनुसार, सच्चे मन से, सारे शास्त्रों के अनुसार मेरी बहन की शादी करवाइएगा। अरे, हमने आपसे ऐसा कहा? हाँ, उन्होंने कहा था कि पंडित जी, शास्त्रों के अनुसार पूरे विधि विधान से विवाह होना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, और मैंने वैसे ही शादी कराई। मैं तो बहुत खुश हूं कि आजकल की नई पीढ़ी के बच्चे अपने संस्कृति को इतना मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये विवाह 100% असली है। अरे ऐसा नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप चलिए।
ये क्या कोई गड़बड़ है? डोंट वरी, वी विल सॉर्ट इट आउट। अंकुश दादा, वहीनी आपको बुला रही थी। आर्या किधर है? वो अपने कमरे में नहीं है। मुझे पता है वो कहाँ पे होगी। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। जवाब देने होंगे उसे। ये क्या, ये क्या? क्या हो गया अंकुश दादा? क्या होगा? शादी हुई ना, परेशान हो गया थोड़ा सा। जाओ काम करो तुम। तुमने जो किया वो किया क्योंकि तुम एक माँ हो, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं भी एक बाप, सगा बाप नहीं हूं लेकिन हूं आर्या का बाप। और उसकी माँ से, दामिनी वहिनी से मैंने वादा किया था कि उसकी बेटी का ध्यान रखूंगा मैं सारी उम्र। और मैंने भी कहीं ना कहीं ये भ्रम पाल लिया था कि तुम मेरी धर्म पत्नी, उसमें मेरा साथ देगी। लेकिन नहीं, मैं गलत था। मैं बिल्कुल अकेला हूं इसमें अंकुश। लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ अन्याय कैसे होने दे सकती थी? एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रहा हूं ना। जो तुम कह रही हो मैं भी वही कह रहा हूं कि तुम्हें पड़ी है तो सिर्फ अपनी बेटी जाई की। ये गुड़ काकी का नाटक ना तो बंद कर दे। नहीं है तो उसकी गुड़ काकी, क्योंकि आर्या जिए या मरे तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना कभी पड़ा था ना कभी पड़ेगा। तुम और ज़ाइना इस भ्रम में जी रहे हो कि कैसे शादी हो गई अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम देखना, रोज रोज तुम्हारा ये भ्रम तिनका तिनका करके टूटेगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम देखो। ये टिक नहीं सकती है। तुम्हें जो करना था वो तुमने किया। अरे ऐसे दूर रहना तुम। और एक बात बेला, आज के बाद आर्या से कभी ये मत कहना कि तुम उसकी दूसरी माँ हो, क्योंकि जो घिनौनी हरकत तुमने की है ना, उसके बाद तुम माँ कहलाने के लायक नहीं हो। बरसों पहले तुमने यही किया था, अपनी एक बेटी की खुशी की खातिर दूसरी बेटी की खुशियों को बलि चढ़ा दिया, उसे सुधार घर भेजकर। आज फिर तुमने उसे दोहराया, आर्या से उसका प्यार छीन लिया है, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां छीन ली। मैं तो क्या, खुद बापा माफ नहीं करेंगे तुम्हें। ओ माय पुअर बेबी, क्या जानती हूं कि तुम खुश नहीं हो। अरे तो ओके, पता है कि तुम शौक में हो। तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था ना कि तुम्हारी शादी मुझसे हो जाएगी, वो भी सच में, है ना? शादी की तैयारियां चलने दो। जो शादी का ढोंग रचा रहे ना, इसे अभी मत रोकना। और तुम देखना, धीरे धीरे जई ठीक हो जाएंगे, तब हम बता देंगे उसे, तब हम उसे समझाएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। ये बाप बेटी मिलकर मुझे फिर से धोखा देने निकले हैं, उल्लू बनाने निकले हैं मुझे। अब देखना जाई कैसे उल्टा तुम्हें बेवकूफ बनाएगी। वो क्या है ना, आर्या की ना बचपन से ना एक बहुत बुरी आदत है। बचपन से लेके आज तक वो मेरा सब कुछ छीन लेती है, लेकिन इस बार ना सर के ऊपर से चला गया। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाने का प्लान जो बनाया था, आज सोचा कल प्लानिंग कर ली, और फिर चलो जाई को बेवकूफ बनाते हैं, है ना?
ब्लडी स्टूपिड पीपल। तुम लोगों ने ये तक सोच लिया कि मैं तो अपनी थेरेपी की दवाइयां ले रही हूँ। थूक देती थी मैं, और वो थेरेपिस्ट द सो कॉल्ड डॉक्टर। नाटक था सब, एक बहुत बड़ा नाटक। तो अब बताओ कौन बेवकूफ बना और कौन अपनी ही जान फंस गया। मेरे नाक के नीचे मस्ती चल रही थी, मेरे सामने एकलव्य के साथ बड़ा रोमांटिक हो रही थी ना आर्य। एकलव्य को तो मैं तुम्हारा होने नहीं दूंगी, लेकिन आज आज उसकी पसंद का लहंगा मैं पहनूंगी। छोड़ के चला गया। आई मेरे बहुत काम है। जितना प्रेशर मैंने उन्हें डाला, उतनी बेचारी इमोशनल होती गई और मेरा काम बनता गया। लेकिन मैंने भी मेहनत कम नहीं की। हाँ, डिसाइड कर लिया था कि इंसुलिन कम लूंगी और वो आग वाला इंसिडेंट। सब कुछ पता था कि आर्य और एकलव्य के बीच आखिर चल क्या रहा है। और फिर क्या, सिचुएशन का फायदा उठाया गया। एकलव्य जिस दिन हल्दी वाले दिन काम पे निकला ना, तो मैंने उसका चार्जर छुपाया ताकि उसका फोन थोड़ी देर ऑफ रहे। ये बात आप लोग माने या ना माने, एक बात तो पक्की है, प्लेयर तो मैं बहुत दमदार हूं। और एकलव्य, जानती हूँ तुम शायद इस बात से खुश नहीं हो, तुम्हें ये बात शायद पसंद भी ना आए, लेकिन अब तो तुम जिंदगी भर के लिए मेरे ही। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।